लगता है कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत था, और मेरी बातों को उसे अपने काम के पास को इसके लिए बधाई। थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी। और आज के सीन की बात करें तो क्या सीन चल रहा है? सीन ये चल रहा है कि बलदेव को मैंने लाख बार समझाने की कोशिश की कि प्रीता भाभी जो किसान की पत्नी है, उनके पति के गुजर जाने के बाद काफ़ी तकलीफ़ें हुई घर पर, उनकी मदद कर दे, वो काफ़ी कुछ उन पर बीत रही है। लेकिन फिर भी बलदेव को सिर्फ ये लगा कि शायद मैं उसे नीचा दिखाना चाहती हूँ, उसके लिए षड्यंत्र रच रही हूँ, इसलिए उसने कहा कि नहीं, मैं ध्यान नहीं देता, मैं तो पर सरपंच, मैं तो वही करूँगा जो मेरे मन में आएगा, तू कौन है बताने वाली। सो कहीं ना कहीं उसने हमारे आपसी रिश्तों के अनबन को अपने सरपंचाई के बीच में लेकर आ गया, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, और अब उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। तो हम बस हॉस्पिटल में और प्रे कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। आप जिस तरह से बलदेव को डांट सुनाई है, आपको लगता है डांट के बाद बलदेव सुधर जाएंगे? कई बार चिकना खड़ा होता है ना, जितना भी पानी डालो कम होता है उल्टा। सो आई थिंक, पता नहीं, टेम्परेली अभी तो वो खैर बहुत ज़्यादा सेल्फ गिल्ट में उसे लग रहा है कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत था, और मेरी बातों को उसे अपने काम के बीच में नहीं लाना चाहिए था। सरपंच होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो अब भाई गुजर रही है उस पर, वो समझ नहीं पा रहा, एक्चुअली सक पकाया हुआ है। मैं गुस्सा हूँ क्योंकि उसने मेरी बात नहीं सुनी, और वो एक अपने डिफरेंट जोन में। आज का दिन आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आपका रिजल्ट भी आया और आपके सेठ पर सरबजीत जो शहीद हुए हैं, फांसी दी गई थी उन्हें, वो उनके डेफिनेटली फैमिली वाले आपके सेठ पर आया करे, उन्होंने कहा कि ये शो काफ़ी देखते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली बहुत खुशी है। सबसे पहले तो 77% आए, मैं शूट कर रही थी, तमाम मुश्किलें थी, मैंने 15 दिन पहले बुक खोली थी, समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से अंत करूँ, मैं सिलेक्टिव स्टडी नहीं करती, सब कुछ पढ़ती हूँ, तो मैं पागल हो गई थी उन दिनों। अच्छे मार्क्स आए, बहुत खुशी है। जहाँ तक दिलबीर कौर जी सेट पर आई, उन्होंने शो की बात की, वो शो को लंबे समय से फॉलो करती आई हैं, काफ़ी अच्छा लगा जानकर। सबसे पहले तो वो खुद इतनी बड़ी मिसाल हैं, और जब आप किसी ऐसे इंसान के बारे में जब बहुत कुछ आप सुन लेते हैं, आप समझते हो उन्हें, सबसे पहले तो मिलना बहुत बड़ी बात है, और अगर वो आपके काम को सराहें तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो काफ़ी काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। हमने सुना है कि जो मेरे को मूवी बनाए उनके डायरेक्टर भी आपके सेट पर है, तो सरबजीत के जो उनका सरबजीत के ऊपर एक फिल्म बना रहे थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे उन्होंने मैं आपके बारे में? सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा मैसेज देने का भी ज़रिया होता है। ये सिर्फ लोगों को 3 घंटे कुछ भी दिखाने का ज़रिया नहीं है कि आप कुछ भी दिखाओ लोग तो देख लेंगे। कहीं ना कहीं दलबीर कौर जी अपने आप में एक मिसाल हैं, अगर उन पर कोई मूवी बनती है तो वो डेफिनेटली लाखों लोगों को इंस्पायर करेगी, जो उस मूवी का बेस बहुत स्ट्रांग होगा। आपने जो आपके शो में जो मुद्दा दिखाया जा रहा है, किसान सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, वो सच में सच चल सिलसिला चल रहा है, तो क्या लगता है आपके मैसेज से सरकार जाएगी? मुझे लगता है ऐसे कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, हम हमारे ज़रिए से अपना जो 1% का योगदान कर सकते हैं वो करने की पूरी कोशिश करते हैं। पर जो जहाँ तक आत्महत्या है, मुझे लगता है कि आत्महत्या आप अपने लोगों से भाग रहे हो, अपने कर्तव्य से भाग रहे हो, लेकिन कई बार आत्महत्या मजबूरी बन जाती है, उसका कोई इलाज नहीं होता। कि अगर कोई बहुत तकलीफ़ में है तो कहते हैं ना, अगर हाथ में बहुत ज़्यादा जख्म है तो हाथ को काट देना चाहिए, तो लोग कई बार ऐसे फैसले लेते हैं। पर मैं कहना चाहूँगी, ऐसा कोई भी फैसला लेने में या आपकी निजी ज़िंदगी है इसमें बोलने का या उस पर कमेंट करने का किसी का कोई अधिकार नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है, हर किसी पर कुछ अलग बीतती है जो शायद मैं कोई और नहीं समझ सकता, लेकिन ऐसा कोई भी कदम उठाने के पहले कई बार सोचिएगा, और सरकार को भी अब इस मुद्दे के बारे में कुछ ज़रूर एक बहुत ही फर्म स्टैंड लेना चाहिए। अच्छा, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे शो में आगे का ट्विस्ट है? काफ़ी जस्टिन टर्न्स है, काफ़ी 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 सारी चीज़ें होने वाली है। जहाँ तक मेरी ज़िंदगी, वीर जी की ज़िंदगी, प्रीता परजाई जी की एंट्री हुई है, गीत भाभी हैं, काफ़ी सारे न्यू कैरेक्टर्स हैं, डेफिनेटली कुछ नयापन होगा। थैंक यू।